आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ़्ता दर हफ़्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट चैनल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है मैं शार्दुल कात्यायन हूँ और आपके होस्ट अतुल फील्ड में गए हुए हैं जम्मू कश्मीर चुनाव कवर करने के लिए तो इस हफ्ते आपको मुझे झेलना पड़ेगा फिर से और हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़े मैं सभी पैनलिस्ट का परिचय करा देता हूं सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ आप, बलि प्रकार उन्हें जानते हैं और वरिष्ठ पत्रकार और सबके साथ ही और सबके चेहरे दे हृदय जोशी जी बार-बार बार कहते हैं झेलना पड़ता है लेकिन मुझे लगता मुझे? है कि लोग पसंद करते हैं लोग नहीं आप ही के बाद मैं जब कमेंट्स वगैरह देखता हूं तो आप विनम्र बनने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कोशिश नहीं मैं विनम्र तो... खैर तो रेश जी आपका चर्चा में फिर से स्वागत है और हमारे साथ दो मेहमान खास ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं सत सिंह जी सत सिंह जी इस समय स्वतंत्र पत्रकार हैं लेकिन वो लंबे समय से डिजिटल और प्रिंट मीडिया में उन्होंने काम किया उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक काम किया और उनके बाद हरियाणा से पत्रकारिता का लंबा अनुभव है तो हम हरियाणा चुनावों और राजनीतिक गतिविधियां जो हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे उसके लिए सत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हैं अंगना चक्रवर्ती अंगना भी इंडिपेंडेंट मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के रीजन से रिपोर्ट करती रही हैं और उसमें वो पॉलिसी पर वहाँ की राजनीति पर ह्यूमन राइट्स के विषय पर रिपोर्टिंग करती हैं चर्चा में आपका स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सभी सब्सक्राइबर्स uh, का और योगदान देने वालों का धन्यवाद आपने चुनावी जो हमारा एन सेना फंड था उसको रिकॉर्ड समय में एक लगभग एक हफ्ते में पूरा कर दिया लेकिन इसराइल वाला जो हमारा सेना प्रोजेक्ट है वो अभी भी बचा हुआ है और इस सप्ताहांत में मेरे ख्याल से रविवार को हमारे प्रोड्यूसर और श्रीनिवासन जैन इसराइल चले जाएंगे तो वापस आ सकें इसलिए प्लीज़ उस फंड को पूरा कर दीजिए नहीं तो वहीं रह जाएंगे बोलो और चर्चा जैसा पहले भी पिछले हफ्तों में आपको बताया गया पे वॉल के पीछे चली गई है केवल बाहर एक छोटा सा अंश रहेगा उसका तो चर्चा को और हमारी और पॉडकास्ट और रिपोर्टिंग को पढ़ने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते ना ही किसी कॉरपोरेट संस्था से किसी कंपनी से और ना ही किसी भी तरह के सरकारी संस्थान से तो इसलिए हमारे पत्रकारिता को और जो भी आपको हमारे यहाँ कंटेंट पसंद है उम्मीद है लगभग सारा ही पसंद होगा उसको एक्सेस करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें तो हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और पहले हरियाणा चुनावों के विषयों पर बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई कल आखिरी डेट थी और दोनों ही बड़ी पार्टियों में भाजपा तो पिछले वहाँ दस सालों से दो विधानसभा सत्रों से सत्ता में है तो उसके खिलाफ कम से कम जो खबरें मिल रही हैं और जो जनता का मूड दिख रहा है जो लोकसभा चुनावों के समय भी दिख रहा था कि जनता नाराज तो है ही लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर वहाँ पे उभर रहा है आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दस साल से हरियाणा में सरकार में है तो उन्होंने जो एक सबसे बड़ी नाराजगी जो वो झेल रहे हैं उसमें एक तो जो सबसे बड़ा वर्ग है हरियाणा का जाट समाज वो काफी नाराज है और पिछले दिनों तेरह महीने किसान आंदोलन हुआ उस आंदोलन में भी जो अग्रणीय भूमिका निभाई वो भी किसानों ने इन्हें जाटों ने मोस्टली देवर जाट्स 2016 के अंदर जो यहाँ आंदोलन हुआ फिर हुआ उस दौरान भी 30 के करीब युवाओं की डेथ हुई 300 से ज्यादा शायद एफआईआर दर्ज हुई उससे भी समाज के काफी सारे लोग थे तो इस समाज की पिछले काफी समय से जो है अनदेखी भी चल रही थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद बीजेपी ने कुछ बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाके कुछ स्कोर करना है इस कम्युनिटी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 31 सीट ऐसी हैं जहां पर 44 के करीब रेबल्स खड़े हैं भाजपा के 34 सीट्स पर 47 रेबल्स खड़े हैं जिनमें नाम आपने गिनाए, जिसमें सावित्री जिंदल है आप पॉलिटिकल स्पेस तब तक सीड नहीं करते हो जब तक आपको लगता है मुझे एक्सचेंज में क्या मिल रहा है और अभी भी ये एक नेचुरल मजबूरी में साथ आए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेचुरल एंटागोनिस्टिक इनका एक नेचर है क्योंकि दोनों एक दूसरे की स्पेस पर राजनीति करते हैं ठीक है मतलब जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है दिल्ली में है वो भाजपा का आम आदमी पार्टी का गेन रहा पंजाब में भी पंजाब में भी उनका गेन रहा है राइट पंजाब में बीजेपी कहां थी कुछ भी नहीं वहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस

तो ये रेबल्स जो हैं किसके रेबल्स ज्यादा नुकसान करेंगे कांग्रेस के रेबल्स या बीजेपी के रेबल्स देखिए कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है सीटें जिस तरीके से बांटी गई है मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम डैमेज होगा अगर बीजेपी जाट नॉन जाट में डिवाइड कर पाई तो फिर बीजेपी को रहेगा लेकिन इस बार दो बार इस तरीके इस फार्मूले को चला चुके हैं जनता ये कैन सी थ्रू इट किस बारी चलने वाला है क्योंकि ग्राउंड पर रियल इश्यूज इतने खड़े हैं बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है अन एम्प्लॉयमेंट वाकई में बहुत बड़ा इशू है इतना बड़ा इशू तो सभी को इफेक्ट कर रहा है अग्निवीर वाला इशू है और सिस्टम्स के कारण जो तराई तराई हुई है, है बीजेपी आम व्यक्ति जो है वो परेशान है इसलिए जाट नॉन जाट होने की कम संभावना है बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि मैंने भी 20 साल 25 साल जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है पॉलिटिक्स में क्या होता है कि यू बेट ठीक है आप आप चाल चलते हैं, एक चाल चलते हैं। हाँ मतलब चाल चलते हैं और जनता बड़े क्रूर होती है पॉलिटिक्स जनता के साथ भी चाल चलते हैं तो कांग्रेस में अगर आप देखेंगे जो ये लड़ाई सी दिखाई दी जिसमें कई लोग जो हैं बड़े में देखा था बड़े बड़े नाम हैं जो पॉलिटिकल कमेंटेटर बनते हैं कहने लगे कि देखो यही लोग हैं जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस इनको इतना देती है और ये कह रहे हैं तो जो शैलजा ने जो पोजिशनिंग की वो गांधी परिवार की बहुत वफादार नेता हैं राइट तो उन्होंने जो पोजिशनिंग की कि नहीं मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ मैं बन सकती हूँ और कांग्रेस ये दिखा रही है कि हम हुड्डा की जगह उनको ही बना सकते हैं वो इसी बात है कि जो थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है बसपा की ओर से या बीजेपी की ओर से या दूसरी पार्टियों की ओर से कि दलित वोट को खींचा जाए दलितों में एक फीलर दिया जाए कि दलित मुख्यमंत्री भी हो सकता है सबको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हरियाणा है तो हम अपने चर्चा के अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो मणिपुर में जो फिर से हिंसा भड़क उठी है और एक सितंबर और इकतीस अगस्त की रात आप जैसे भी माने करीब यानी बारह तेरह दिन पहले ये खबर आई कि ड्रोन से हमला हुआ है लेकिन वो खबर की पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि इलाकों में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे ये मणिपुर टेप्स को लेके जिसमें अलेजेडली जो स्टेट के मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर है सेट कि उन इलाकों को सीक्रेटली या बॉम्ब कर दिया जाए ये रिपोर्ट वायर में थी जी जी सो so द तो कुकी एक दो दिन बाद ये खबर आई कि मैत विलेज है उधर एक ड्रोन के द्वारा एक बम ड्रॉप किया गया था जिससे बहुत लोगों की जान गई तो और मणिपुर पुलिस ने बोला कि कुकी मिलिटेंटली पीछे है एक्सकेलेन के पीछे है और उसके बाद कुछ सितंबर में भी हुआ वो भी सिग्निफिकेंट है हम, हमें जानने में कि रॉकेट्स यूज किया गया रॉकेट मोयरांग में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वो ठीक इम्फा और चुराचांदपुर के बीच एक मैते डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो उधर एक इलाके में आई थिंक अराउंड आफ्टरनून नून ऑन सिक्स सेप्टेम्बर एक रॉकेट आके गिरा एक इलाके में जिससे

अ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इफ यू आर एसपी इफ यू आर ओआईसी इट मैटर्स मोर व्हिच सब कम्युनिटी यू बिलोंग टू तो ये जो पारंपरिक मीडिया का भी और सरकारों का भी सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश के प्रदेशों और समाजों के लिए रहा है वहाँ पे जो सत्ताधारी है एन वीरेंद्र सिंह और भाजपा की सत्ता वहाँ है वो काम नहीं कर रहे और ये एक राजनीतिक फेल्योर है और तमाम अखबारों में मैं किसी एक इंटेलेक्चुअल का नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इंटेलेक्चुअल पॉलिसी मेकर्स ये सवाल लिख रहे हैं और सबकी बॉटम लाइन चाहे वो कुछ भी लिखें जी चाहे केंद्र सरकार को कम से कम दोष देने की कोशिश करने वाले लोग हैं ये भी है वो भी लिख रहे हैं वो मान रहे हैं कि भैया सरकार आपकी है तो आपको इसमें कुछ ना कुछ दखल तो देना पड़ेगा किसी न किसी लेवल पर आपको डिप्लोमेट आपको अपने एक स्टेटमैनशिप दिखानी पड़ेगी बिल्कुल ये बहुत जरूरी है अब दूसरी बात जो राजनीति की बात आपने कही है मैं मैं भी आपकी तरह मतलब स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि उसमें अंगना को ही बताते देना चाहिए वहाँ पर चीजों को लेकिन हम यहाँ से कम से कम इतना तो देख सकते हैं कि अगर बरसात में बाढ़ आती है दिल्ली में कि एक यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद हो जाता है तो उससे आपको बड़ी दिक्कत होती है कि आपको जो है अक्षरधाम के बाद अब सीधे जो है आ, मतलब बीच का मेट्रो स्टेशन छोड़ के मयूर विहार में उतरना है इतनी छोटी सी दिक्कत में आप इतना बवाल हो जाता है दिल्ली में कभी विरोध प्रदर्शन होता है अगर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन बंद हो गया आपको उद्योग भवन में उतरना पड़ रहा है तो वो आपके लिए बड़ी गुस्से का विषय हो जाता है आप ट्वीट उसमें तमाम सोशल वेबसाइट्स में लिखने लगते हैं क्या लोगों को इतना नहीं दिख रहा है क्या इन्हीं टीवी चैनलों के एंकरों को या इन सबको इतना नहीं दिख रहा है कि भैया और मैं सबको ब्लैंकेटली नहीं कह रहा हूँ उनमें से बहुत लोगों ने वहाँ जाकर अच्छी रिपोर्टिंग भी की है चाहे वो संख्या में बहुत कम है तो इस चीज़ पर क्या सरकार को दबाव बनाने के लिए जो सारे लोग लिख रहे हैं कि, कि कंसिस्टेंट एक रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी नहीं है अगर हमारी साथी आँगना वहां से लिख सकती हैं और बोल सकती हैं और लगातार कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर सकती हैं और अगर किसी उद्योगपति के बच्चे की शादी के लिए जो है <laughs> खर्च कर सकते हैं बड़े चैनल क्या वो सरकार, को वहां की लगातार स्थितियां ऐसा नहीं है। सरकार पर अगर लगातार उसे लगेगा कि परसेप्शन हमारा एक हद से ज्यादा बिगड़ रहा है तो वो एक्ट करने पर मजबूर होगी जी मुफ्त में बस इतना ही अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता ना किसी राजनीतिक दल का ना किसी सरकार का ना किसी कॉरपोरेशन का हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें लोग पत्रकारिता में निवेश करें उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूजॉन्डी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें